हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू। और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस के बीच में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे व्यू स्पोर्ट का बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन और आपको देंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पिक्स जो आपको आपकी टीम बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉन्टेस्ट खेलना है तो ये कॉन्टेस्ट आप फैंटेसी अखाड़ा पर खेल सकते हैं, जहाँ पर इस मैच के लिए 50,000 का मेगा प्राइज पूल है। कमीशन काफ़ी कम है। बाकी नॉन मेगा कॉन्टेस्ट में भी प्राइज पूल जो इनका वो इंडिया के टॉप 3 फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स में सर एक है। तो गो एंड चेक आउट दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप नाउ, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सीधे चलते हैं अपने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की ओर फॉर द प्रीमियर लीग मैच बिटवीन चेल्सी एंड क्रिस्टल पैलेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, हमने एक मिक्स सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन लिया है चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस का। असल में फ्रेंड्स, इन दोनों ही क्लब्स के बारे में जितनी कम बात की जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप जानते हैं चेल्सी इस समय बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में है। लास्ट सीज़न जब उन्होंने फिनिश किया था बॉटम हाफ में, तो उसके बाद उन्हें लगा था कि इस सीज़न थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, बट दिस सीज़न हैज़ गॉन अटरली बैड फॉर देम। कोई भी रिदम नहीं है, सिंक नहीं है, प्लेयर्स इंडिविजुअली बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं। दो मिडफील्ड साइनिंग्स उनकी बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप रही हैं, एंजो फर्नांडेस और मोइसेस काइसेडो खेल नहीं रहे हैं। एंजो को हर्निया हुआ है, काइसेडो इस मैच में अवेलेबल होंगे नहीं, दैट रिमेन्स अ डाउट। लास्ट मैच भी वो लोग हार गए थे अगेंस्ट वुल्व्स, जहां पर उन्हें इतने ज़्यादा चांसेस मिले थे गोल स्कोरिंग के, उसके बावजूद भी नहीं ले पाए थे। इस मैच में रहीम स्टर्लिंग और कोल पाल्मर सस्पेंडेड है। ऑल दो चेल्सी वुड स्टिल बी द फेवरेट्स एट देयर होम, ये लंडन डार्बी का मैच है फ्रेंड्स, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस बहुत ज़्यादा गोल्स नहीं मारती, 15-16 पोजीशन पे है इस सीज़न। एंड अगर वो लोग जल्दी विंस पिकअप करना, ऑल दो फ्रेंड्स उनका फिक्स्चर रन काफ़ी टफ चल रहा है ये मानना पड़ेगा, बट उनको स्टिल अभी भी विंस या ड्रॉस पिकअप करने पड़ेंगे, नहीं तो वो लोग रेलीगेशन बैटल में फंस सकते हैं, क्योंकि लूटन भी रिसेंटली पॉइंट्स पिकअप कर रही है। बट वी स्टिल फील कि क्रिस्टल पैलेस विल फिनिश एट द मिड ऑफ द टेबल हर सीजन की तरह प्रीमियर लीग में। चेल्सी वुड बी द फेवरेट्स इन दिस मैच, बट वी वोंट बी सरप्राइज अगर चेल्सी ये मैच में भी बॉटल कर दे और पॉइंट्स अपने ड्रॉप कर दे। वी आर बैकिंग चेल्सी विन, बट सिंस स्टर्लिंग और पार्मर जो इनके दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो नहीं है, स्टर्लिंग ने लास्ट मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट मिस भी करा था, इसलिए हम बहुत श्योर नहीं है। हेंडरसन को हमने गोलकीपर लिया है, फॉर्मर यूनाइटेड नॉटिंगम फॉरेस्ट कीपर सैम जॉनसन चूंकि इंजर्ड है लंबे समय के लिए, तो डीन हेंडरसन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। अच्छे शॉर्ट स्टॉपर हैं, इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। पेट्रोविच को आप कंसिडर कर सकते हैं जिनका फॉर्म अच्छा रहा है रिसेंटली। डिफेंस सेक्शन की बात करें तो हमने क्रिस्टल पैलेस से वॉकिम एंडरसन को लिया है, ही हैज़ बीन देयर बेस्ट डिफेंडर अपार्ट फ्रॉम मार्क गे ही। टैकलिंग इंटरसेप्शन के पॉइंट्स आपको डिसेंट देंगे, पासिंग के पॉइंट्स भी अच्छे देते हैं, गोल थ्रेड भी आपको देते हैं, सो उनको हमने अपनी टीम में लिया है। चेल्सी से फ्रेंड्स हमने एक्सल डिसासी और मालो गुस्तो को लिया है। डिसासी की एक एरर थी लास्ट मैच में, डिसासी और बाडियाशील दोनों बहुत ही अच्छे सेंटर बैक्स हैं, बट चेल्सी में जब से आए उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा नहीं रहा। एक्सपेक्टेड है कि वो दो के दोनों इस मैच में सेंटर बैक पेयरिंग की तरह खेलेंगे और थियागो सिल्वा जो कि काफ़ी टाइम से खेले उन्हें रेस्ट मिल सकता है। गुस्तो वुड मोस्ट लाइकली स्टार्ट एज द राइट बैक एंड कॉलवेल एट द लेफ्ट बैक, बहुत ही वल्नरेबल नजर आ रहे हैं कॉलवेल लेफ्ट बैक पे। अपनी टीम में आप पिक कर सकते हैं उन्हें डिसासी की जगह। डिसासी आपको थोड़ा सा एरियल थ्रेड देते हैं, कॉलवेल ओवरलैपिंग रन उतने नहीं बना पाते हैं, बट वो लेफ्ट बैक पे एक अच्छे प्रेजेंस आपको डिसेंट टैकलिंग इंटरसेप्शन के नंबर दे सकते हैं, तो आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं अपने ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हमें लगता है कि इस मैच में गोल्स मार सकती है चेल्सी, इसलिए हमने उनके आगे के प्लेयर्स को ज़्यादा लिया है। मिडफील्ड में हमने क्रिस्टल पैलेस ओलिसे और यफरसन लर्मा को लिया है। माइकल ओलिसे इनके मेन क्रिएटिव आउटलेट होंगे, मेन गोल स्कोरिंग पोटेंशियल इनके पास है, क्रिएटिवली बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, असिस्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है, चांस क्रिएशन नंबर्स डिसेंट है, गोल स्कोर कर सकते हैं, पेनल्टीज पर भी होंगे ये। और जेफरसन लर्मा एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर है, आपको टैकलिंग इंटरसेप्शन के अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। एजे को फ्रेंड्स हमने ड्रॉप किया है बिकॉज उनके फिटनेस कंसर्न्स हैं थोड़े से, ऑल्दो ही इज फुली फिट एंड बैक, बट हमें नहीं पता कि क्या वो पूरे 90 मिनट्स लास्ट करेंगे या नहीं, इसलिए हमने उनको ड्रॉप किया। आप उन्हें भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में सम एंडरसन की जगह, एंड उनकी जगह आप चेल्सी का एक एक्स्ट्रा प्लेयर ले सकते हैं। अगर हम चेल्सी की बात करें तो हमने कॉनर गैलेगर, क्रिस्टोफर एनकुंको और मिखाइलो मुद्रिक को लिया अपनी टीम में। गैलेगर को हमने कैप्टनसी दी है, इस सीज़न के उनके बेस्ट मिडफील्डर हैं, ट्रैकलिंग इंटरसेप्शन पॉइंट्स उनके डिसेंट रहे हैं, अच्छे नंबर्स दिए हैं, चांस क्रिएशन नंबर्स भी उनके ठीक ठाक रहे हैं इस सीज़न, एंड ये आपको आराम से हर एवेन्यू से पॉइंट देंगे, 25 से 30 पॉइंट्स का एक सेफ स्कोर आपको देंगे। एक मोर एक्सप्लोसिव ऑप्शन है क्रिस्टोफर एनकुंको, जिनको हमने वाइस कैप्टनसी दी है, आप इन्हें आराम से कैप्टनसी का पॉइंट दे सकते हैं। लास्ट मैच में जब ये ऑफ द बेंच आए थे तो इन्होंने एक हेडर से गोल स्कोर करा था फॉर चेल्सी, तो ये कैप्टनसी के भी ऑप्शन होंगे आपकी ग्रैंड लीग के लिए। काफ़ी टाइम बाद इंजरी से आ रहे, तो पूरे 90 मिनट शायद स्टार्ट लास्ट ना करें, इस वजह से हमने उनको वाइस कैप्टनसी दी, वरना ही इज़ द बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन, बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन इस मैच में। एंड इस मैच में भी वो क्रिस्टल पैलेस अगेंस्ट स्कोर कर सकते हैं, अपने पेस से ट्रबल कर सकते हैं, एंड जहाँ हमने पेस की बात की वहाँ पे हमें मुद्रिक का भी नाम लेना पड़ेगा बिकॉज हिज पेस कुड ऑल्सो बी थ्रेटनिंग अगेंस्ट दिस क्रिस्टल पैलेस बैकलाइन, इसलिए हमने उनको लिया है। आप चाहें तो नोनी मादुएगे को ले सकते हैं जो कि इस मैच में एक राइट विंगर की तरह एक्सपेक्टेड है खेलेंगे। अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें तो फॉरवर्ड सेक्शन में हमने निकोलस जैक्सन और जॉर्डन आयु को लिया है, दोनों ही अनकन्विंसिंग लगे हैं इस सीज़न,
इनफैक्ट जॉर्डन आयू रिसेंटली थोड़े से अच्छे फॉर्म में आए, असिस्ट वगैरह उन्होंने दिए हैं, एंड ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पीछे जाके डिफेंड भी करते हैं। क्रिस्टल पैलेस मेनली एक लो ब्लॉक बना के बैठेगी, तो जॉर्डन आयू जैसा प्लेयर भी आपको अच्छे डिफेंसिव पॉइंट दे सकता है। आपको एक स्ट्राइकर लेना है तो आप आयू की जगह ड्रॉप करके मटेटा ले सकते हैं। निकोलस जैक्सन के अब तक 7 गोल भले हैं बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिस किए हैं। चेल्सी फैंस का पेशेंस इन पर ख़त्म हो रहा है और अगर इन्हें वापस से ट्रस्ट बिल्ड करना है तो उन्हें गोल स्कोर करना होगा। इस वजह से इस मैच में हमने निकोलस जैक्सन को लिया है बिकॉज हमें लगता है कि इस मैच में ही वुड स्कोर एंड इस मैच में स्कोर करके वो अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं अगेंस्ट दिस बैकलाइन। एक्सपेक्टेड है कि निकोलस जैक्सन नंबर 9 खेलेंगे इन प्लेस ऑफ ब्रोहा एंड नंबर 10 रोल में क्रिस्टोफर एनकुनकू रहेंगे विद मुद्रिक एंड मादुएके एज द विंगर्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर द प्रीमियर लीग मैच बिटवीन चेल्सी एंड क्रिस्टल पैलेस। जाते जाते फ्रेंड्स हम आपको ये बता दें कि व्यू स्पोर्ट पर इस समय चल रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन का ऑफर, जहां पर आपको 1999 में क्रिकेट और फुटबॉल की सभी टीम्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर द इंटायर नेक्स्ट ईयर। 2 जनवरी तक फ्रेंड्स ये ऑफर है, जो प्राइस पहले 7999 था उसको स्लैश करके अब 1999 किया गया है। तो गो एंड चेकआउट दिस ऑफर नाउ। हमने व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम आपसे मिलेंगे फ्रेंड्स फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच। थैंक यू।